सैफ अली खान ने एक फिल्म की एजेंट विनोद, फिल्म नहीं चली लेकिन सैफ ने हिम्मत नहीं हारी और अब सैफ एक बार फिर नजर आएंगे एक्शन फिल्म बुलेट राजा में। कैसा होगा सैफ का लुक, पूछते हैं फिल्म के निर्माता राहुल मित्रा से। एजेंट विनोद मैंने देखी, हालांकि मुझे सैफ की एक्टिंग बहुत पसंद आई थी। मैं स्टोरी से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, तो वो अलग फिल्म थी, ये अलग फिल्म है, ये यूपी में सेट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कंपैरिजन करना फेयर नहीं होगा। सैफ बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है उनको, एंड आई एम श्योर इस फिल्म में भी बहुत पसंद करेंगे। काफी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ये मतलब ये गैंगस्टर फिल्म है लेकिन मजेदार है, एंटरटेनिंग है, ये कोई डार्क सिनेमा नहीं बना रहे हम लोग। ऑडियंस को देख के मजा आए, स्टोरी एंटरटेनिंग हो, ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, बढ़िया एक्शन हो, अच्छे गाने हो। सैफ एक बहुत ही नए अंदाज में, क्योंकि लोगों ने उनको लंगड़ा त्यागी का रोल प्ले करते हुए देखा है, हालांकि हमारी फिल्म और उस जो उन्होंने कैरेक्टर ओमकारा में प्ले किया था कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। इसमें वो एक पढ़े लिखे आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं जो बाद में कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से गैंगस्टर बन जाते हैं, तो लेकिन बहुत सारे अलग अलग चीजें ऑडियंस पहली बार देखेंगे। हीरो तो आपने बता दिया है कि सैफ अली खान होंगे, लेकिन उनके साथ हीरोइन कौन होंगी? देखिए, हमने सैफ को अभी ही लॉक किया है और अभी ये अनाउंसमेंट कुछ ही देर पहले आई थी कि सैफ बुलेट राजा कर रहे हैं हमारी अगली फिल्म, तो अभी फिलहाल क्रूइंग के ऊपर काम चल रहा है। लीड एक्ट्रेस मुझे लगता है अभी हफ्ता 10 दिन और लगेगा, क्योंकि हम एक फ्रेशनेस लेके आना चाह रहे हैं। जो भी एक्ट्रेस हो फिल्म में, वो जो किरदार है उसमें फिट हो, तो अभी कास्टिंग चल रही है और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक शायद हम ये अनाउंस कर पाए। लेकिन सैफ के साथ साथ जिमी शेरगिल भी हैं इस फिल्म में। राहुल, आजकल फिल्मों में आइटम नंबर का बहुत चलन है, तो क्या आपके भी इस फिल्म में आइटम नंबर होगा? जी बिल्कुल मिलेगा, और अभी तक जो सिचुएशंस हैं शायद एक से ज्यादा आइटम नंबर भी हो सकता है। देखिए, कारण आइटम नंबर लेने का यही होता है कि ऑडियंस को जरा मजा आता है, और अगर वो सिचुएशन के हिसाब से रहे, फोर्स्ड स्क्रिप्ट के ऊपर एकदम किसी भी पॉइंट में आइटम नंबर आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑडियंस, और आजकल एक ही तरह के आइटम नंबर हो गए हैं, वही गोली बारूद और वही कुछ लोग देख बैठे हुए हैं और एक डांस डांस कर रही है कुछ, तो हम कुछ अलग करना चाहेंगे। और अभी म्यूजिक कौन कर रहे हैं इस फिल्म का, वो भी हम इसी हफ्ते लॉक करेंगे। जाहिर सी बात है कि कोई बड़ा नाम ही होगा, कोई अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि अब स्केलेबिलिटी बढ़ गई है प्रोजेक्ट की, तो मैं चाहूंगा कि और बड़े नाम, अच्छे नाम, और भी टैलेंटेड लोग जुड़े हैं हमारे साथ। राहुल, आपके इस फिल्म के निर्देशक हैं तिग्मांशु धुलिया, और तिग्मांशु ड्रामा रचने में बड़े माहिर साबित हो रहे हैं। अगर उनकी पिछली फिल्मों को देखें तो शागिर्द, पान सिंह तोमर और साहब बीवी और गैंगस्टर से दर्शकों की उम्मीदें उनसे काफी बढ़ गई है, तो इस बार तिग्मांशु क्या नया लेकर आएंगे? तिग्मांशु हासिल के दिनों से ही लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी पहली जो फिल्म थी, उनकी लिखावट, उनका निर्देशक, उनका जो ट्रीटमेंट है सिनेमा का, देखिए वो तो बदलने नहीं वाला, वो तो रहेगा, लेकिन होता क्या है कि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है तो स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है, उस हिसाब से इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिल्म का जो सब्जेक्ट है, जिस तरह से उन्होंने लिखा है इसको और जिस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं उसको शूट करने का, लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई और सैफ और बाकी सब कैरेक्टर्स को लेके, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत मजेदार फिल्म बना रहे हैं हम, कोई बिल्कुल डार्क फिल्म नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सिनेमा इस हफ्ते से बात करने के लिए। तो ये थे राहुल मित्रा, और अब बात करते हैं छायाकार अशोक मेहता की।